ये जो कंटेंट ड्रिवन के नाम पे जो फ्रॉड होता है एक्टिंग का भी और फिल्म का भी क्या हम कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और फेक एक्टिंग कर रहे हो उसमें वो सबसे डेंजरस होता है नहीं मैं तो खैर नहीं करूँगा वेब सीरीज क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन है जब शुरुआत शुरुआत बहुत अच्छी होती है फिर वो बाजार बन जाता है फाइट से मारा उड़ गए साउथ इंडियन फिल्म में जिस की होती है है बड़ी का होता ना एक कुत्ते और बिल्ली को लेके पिक्चर बना दो आप और छह हजार ही पांच हजार स्क्रीन पर रिलीज कर दो उसके दिन डे वन का ट्वेंटी करोड़ होगा स्टार का जो डे वन का कलेक्शन हुआ ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ इसलिए होता है क्योंकि साढ़े चार पाँच हजार स्क्रीन पे लगती है और छे छे शो होते हैं मैं नवाजुद्दीन क्या <laughs> <laughs> नमस्कार दोस्तों आज हम जिस हिंदी सिनेमा के कलाकार से आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है कुछ लोग उन्हें फैजल खान के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग उन्हें चांद नवाब के नाम से भी जानते हैं लेकिन पर्सनली मैं उन्हें टैलेंट फैक्ट्री मानता हूँ स्वागत कीजिए नेशनल अवार्ड विनर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नमस्कार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच धन्यवाद आज जो लोग आपको पसंद करते हैं आपके काम की तारीफ करते हैं उनमें ज़्यादातर लोग आपके कुछ पॉपुलर परफॉर्मेंसेस की बात ज़्यादा करते हैं जैसे कि गैंग्स ऑफ वसीपुर के हो गया आपका कहानी फिल्म का हो गया जो कि मेरा भी वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर है लेकिन अगर आप अपने करियर को आंकते हैं शुरू से ले आज तक तो बीच का जो सफ़र था जिसमें आपने बहुत छोटे छोटे रोल्स निभाए थे उन्हें आप आज जब पलट कर देखते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे भी बेहतर और कर सकता था या जैसे कि सैफ़ अली खान ने एक बार बोला था कि मैं जब पलट के अपने शुरू के परफॉर्मेंसेस को देखता हूं तो मुझे हंसी आती है मैं उन्हें देखना नहीं चाहता क्या आप भी कुछ उस तरह का ही फील करते हैं हाँ आई थिंक क्योंकि एक्सपीरियंस आपको होता चला जाता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बेटर होती चली जाती है वो उस लिहाज से होता है आ, लेकिन उस वक्त पे एक एनर्जी होती है एक जज्बा होता है एक पैशन होता है तो वो उस वक्त के उस वक्त का सच वो होता है आज का सच ये है राजवीर के पास तो जैसे पूरी है। आ, शायद वो पैशन वो जज्बा जो है वो एनर्जी शायद धीरे धे धीरे Uh, आपकी टेक्निक्स और मैं बदलती चली जाती है आज उस जो जिस तरह की मेहनत मैं पहले करता था आज शायद ना करूं इतनी मेहनत लेकिन चूँकि टेक्निक्स मुझसे आ गई हैं या अनलर्न uh, करना आ गया है तो वो इम्प्रेशन वो एक्सप्रेशन वो दे सकता हूं मैं आज बट ये इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एक्चुअली कि जिस जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है आप नए डायमेंशनस की तरफ आप जाते हैं तो वो आपको वो खुद को पुराना लगने लगता है या खुद को खुद की गलतियां नजर आने लगती है वो अच्छा भी है एक तरह से इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपकी शुरुआती फिल्मों की बात करें तो एक शॉर्ट फिल्म थी द पाई पास जिसमें इरफान सर भी थे आप भी थे जी जो कि जिसमें डायलॉग्स भी नहीं थे बट उसके बाद भी वो इतना पावरफुल इम्पैक्ट डालता है ना, 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 ना। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप उसको करने से पहले आपने क्या सोचा था कि बिना डायलॉग्स वाली एक शॉर्ट फिल्म को किस तरह से मुझे हैंडल करना है आई थिंक बहुत कम लोगों को मालूम है बहुत चैलेंजिंग था वो क्योंकि आपको डायलॉग से कन्वे नहीं करना था खुल exactly. की चीज और ना ही इशारों से कन्वे करना था mm -hmm. कि अगर मुझे आपको अपने पास बुलाना है तो मैं आपको इस तरह से इशारा mm -hmm. कर सकता हूँ बट वो पेंटोमाइम हो गया या माइम हो गया mm -hmm. वो माइम भी नहीं करना है वो जो माइम नहीं करना विदाउट डायलॉग है तो वो चैलेंज बढ़ जाता है आई थिंक आपको लुक से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको ये कन्वे हो कि मैं उसको अपने पास बुला रहा हूँ और इजीली उसमें सब समझ में अभी आता है बिना कुछ बोले बिना कुछ भाव आप दो तीन जगह पे हमसे गलती हुई वहाँ पे सबसे गलती हुई जितने भी कैरेक्टर तीन ही कैरेक्टर थे तीनों से गलती हुई कि जहाँ पे हमने इशारे से कि तू अब जा मतलब स्क्रिप्ट वो इशारा भी नहीं इशारा भी, भी नहीं था और डायरेक्टर का सबसे बड़ा टास्क यही था कि आप इशारा भी नहीं करोगे कि जा तो बिना इशारे के मतलब आप उसको बोल रहे हो कि जा चला जा है ना तो बिना इशारों के करना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कई जगह पे बहुत चैलेंजेस थे उसमें इसलिए वो उसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ बाईपास में तो इस तरह के कि किरदार के लिए क्या आप अलग से कुछ मेहनत कुछ अलग से सोचते हैं या कुछ अलग से वर्कशॉप लेते हैं आई थिंक डायरेक्टर का अपना एक थाट होता है उस थाट को समझना पड़ता है कभी कभी वर्कशॉप्स भी होती हैं आई थिंक वर्कशॉप में तो सिर्फ यही होता है कि जो जो एक्टर्स हैं उनसे जानकारी हो जाए जान पहचान हो जाए उनके बारे में थोड़ा सा जान जाएं आप इतना ही होता है बाकी तो जो एक्टर का अपना थॉट होता है वो ऑन द स्पॉट ही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं आपके बहुत से अच्छे रोल्स में से आ, मुझे एक पसंद आया था मनोरमा सिक्स फीट अंडर का आपका निभाया हुआ किरदार जो कि बहुत रियलिस्टिक लगता था उत्तरी <laughs> <laughs> इस फिल्म में आपने एक लोकल गुंडे का किरदार निभाया जैसे जिसने मुझे तो मतलब स्पेशली बहुत प्रभावित किया था जैसे जो बोलने का आपका स्टाइल था जो जो तरीका था जिस तरह के आपका कॉस्ट कॉस्ट्यूम्स रखे गए थे बहुत अच्छा था आपने इस तरह के छोटे मोटे किरदार बहुत निभाया और एक जैसे किरदार काफ़ी सारे निभाए खासतौर पर चोर उचक्के वाले अगर हम बात करें कि बाईपास में भी कुछ ऐसा ही था मुद्दा थी एक फिल्म मुन्ना भाई एम बी एक चालीस की लास्ट लोकल और ब्लैक फ्राइडे भी लगभग मिलते जुलता था एज ए क्रिटिक मैं ये सोचता हूँ कि आप कैसे एक से किरदारों में वेरिएशंस कैसे लाते हैं तो आप वो सेम किरदारों को निभाने के के वक्त जब आपको पता होता है कि ऐसा ही किरदार मैं पहले निभा चुका हूँ तो इस बार एक्स्ट्रा अलग से मैं क्या एफर्ट लगाऊंगा उस पर आप कितना ध्यान देते हैं और कि कितना सोचते हैं उसके लिए आई थिंक उस वक्त पे मुझे इसी तरह के किरदार मिलते थे छोटे छोटे किरदार मिलते थे और ज़्यादातर डिमांड भी नहीं कर सकते थे आपके पाले में गेंद थी तो वही करने पड़ते थे बट आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैं इसलिए दे सकता हूँ ऐसे दे सकता हूँ कि वर्स्टैलिटी वट इट्स मीन वर्सटैलिटी इट इज़ नॉट मीन के आप अलग अलग किरदार कर रहे हैं वर्स्टैली वर्स्टैलिटी का मतलब है कि एक किरदार को आप कितने तरीके से निभा सकते हैं एग्जैक्टली exactly. गेटअप बदल के एक में मैं मोटा हो गया एक में मैं सिक्स पैक्स निकाल लिए मैंने और एक में मैं कॉप हो गया और एक में मैं कुछ और हो गया इट्स नॉट इट्स नॉट ए वर्स्टैलिटी तो बाहर से अलग ही दिख ही रहे हो आप लेकिन अंदर से तो सेम ही हो आप अंदर से तो कुछ चेंज ही नहीं किया आपने नहीं। तो कोई वर्स्टाइलिटी नहीं है वर्स्टाइलिटी है कि भले एक ही स्टेटस के आप कैरेक्टर करें लेकिन उसमें भी आप अलग-अलग वेरिएशन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे गैंग्स ऑफ वासिपुर का फैजल खान है और एक गणेश गायतोंडे दोनों में जमीन आसमान का फर्क कहने के लिए दोनों गैंगस्टर हैं या कॉ लाइक like, कहानी का कॉप अलग है या राता मैंने रात अकेली लिए। लिए की थी उसका कॉप बिल्कुल अलग है जरूरी नहीं कॉस्ट्यूम पहनने से एक के एक ही तरह के किरदार होते हैं लेकिन एक एक तरह से हो जाते हैं बट इनर जो वर्ल्ड है उनका वो बहुत अलग है जो थॉट प्रोसेस है उनका वो बहुत अलग है दोनों का चाहे वो कहानी का कहानी का आई बी ऑफिसर हो चाहे रात अकेली उनका थाट प्रोसेस अलग है कम्प्लीटली अलग है कॉस्ट्यूम एक जैसे जरूर पहने हुए अब ये तो हम आ, मैं हर रोज़ कॉस्ट्यूम चेंज करके बदल के जाता हूँ इंसान तो वही हूँ तो आई थिंक ये सवाल बहुत अच्छा है कि इनर वर्ल्ड चेंज होना बहुत ज़रूरी है ज़रूरी नहीं कि आप बाहरी चीज़ों को एक बाहरी चीज़ों में मतलब एक जैसे कपड़े पहनते हैं या एक, एक स्टेटस के एक स्टेटस में करोड़ों लोग होते हैं और करोड़ों लोगों के जो थॉट हैं वो अलग अलग ही होते हैं तो वो थॉट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है तो जब आप फिल्में नहीं कर रहे होते खाली समय बिता तब भी क्या ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है अपने किरदारों को लेके या जो किरदार आपको आ, मतलब आपने साइन नहीं किया है कोई फिल्म उसके अलावा भी आप कुछ नया नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं नए किरदारों से आप प्रभावित होते हैं कि आगे कभी काम आ जाएगा इस तरह का किरदार हाँ मेरी मैं जब भी जैसे आपने बोला कि मैं जब भी अकेला बैठा रहता हूँ मेरी मेरी लाइफ में आज तक कोई टाइम भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर मैंने किरदारों के बारे में ना सोचा हो अगर मैं खाली भी बैठा हूँ तो मैं मेरा शौक़ है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनना या म्यूज़िक सुनने का शौक़ है मुझे विदाउट वॉइस जब मैं विदाउट वॉइस किसी की वॉइस के बिना जब म्यूज़िक सुनता हूँ इंस्ट्रोमेंटल सुनता हूँ तो मैं मुझे कैरेक्टर्स खुद ब खुद दिखाई देने लगते हैं तो मैं उन कैरेक्टर्स के साथ ट्रैवल करता हूँ और ख़ुद ब खुद वो कैरेक्टर जो बार बार जब उसी म्यूज़िक को बार बार सुनता हूँ वो कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने इमेजिन किया है वो बहुत गाढ़ा होता चला जाता है मेरी नज़र में तो मैं मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जहाँ पे मैं कि मेरा डे ऑफ है और मैंने किसी किरदार के बारे में इमेजिन ना कि मैं हमेशा उसी वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ और वही खुशी वही खुशी होती है वही मेरी लाइफ है एक्चुअली एक आपने ब्रिटिश क्राइम ड्रामा किया था मैक माफिया ये इससे आप कैसे जुड़े और फॉरेन जो आपका एक्टर्स है और क्रू के साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों में आ, जेम्स वॉट डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी मिस लवली और गैंग जबर सिपुर दो फिल्में देखी थी उसके बाद कास्ट किया था मुझे फ़र्क ये है कि जब आप लाइक मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं जब शॉट देने गया तो पहले उन्होंने रिहर्सल करा ली मुझसे ये ब्लॉकिंग कोरियोग्राफ कर लिया पूरे सीन को उसके बाद उन्होंने कहा अब आप, आप मेकअप करा लीजिए कॉस्ट्यूम चेंज कर लीजिए तो मैं गया मैंने कॉस्ट्यूम चेंज की मेकअप हुआ वापस जब आया पिन ड्रॉप साइलेंस तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया किसी के मतलब कोई डेथ हो गई क्या हो गया बहुत ही सन्नाटा है यहां पे। तो जो असिस्टेंट खड़ा था उसके बराबर में जाके मैं मैं भी चुपचाप बिल्कुल खड़ा हो गया तो पांच मिनट तक सब चुप रहे तो मैंने चुपके से असिस्टेंट से पूछा मैंने यार इतना सन्नाटा क्यों है, है? सर आपका वेट कर रहे हैं अच्छा मैंने कहा मैं तो रेडी हूँ तो धीरे धीरे से कैमरा भी कैमरा भी रेडी था सब चीज़ें रेडी थी और शूट हो गया अब ये देखिए कि इतने इतने साइलेंस में इतनी डिसिप्लिन में जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आई थिंक आप अपना बेस्ट देंगे एक्टर्स के हमारे यहाँ जैसे ये है कि आई एम सॉरी टू से बट बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं और जो इस इन्वायरमेंट में काम करते हैं एक्टर कोई भी एक्टर अपना बेस्ट देगा तो उसकी हमें इस तरह के माहौल की बहुत जरूरत है एक्चुअली वहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है अगर साढ़े नौ बजे बोला है तो साढ़े नौ बजे एग्जैक्ट आप तैयार होने चाहिए नौ बजे नौ बजे शॉर्ट स्टार्ट होगा तो एग्जैक्ट नौ बजे होगा तो इस तरह का प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है तो हमारे यहाँ भी हैं कुछ लोग करते हैं अगर आप हम आपकी कुछ और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसे देख इंडिया सर्कस एक आपकी फ़िल्म थी अनवर का अजब किस्सा थी मिस लवली भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन किरदारों में एक प्योरिटी नजर आती है ऐसा लगता है मानो आप ये किरदार निभा नहीं रहे वो आप ही वो रियल रियल लाइफ के किरदार हो क्यों आपको इस तरह के रियलिस्टिक किरदार भाते हैं और क्या इस तरह के किरदार करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगती है या फिर कॉमर्शियल किरदारों में जैसे मुन्ना माइकल हो गया या आपका जीनियस हो गया किक हो गया इस तरह के वो आई थिंक मेहनत तो हर रोल के लिए होती है आ, ये कहना कि भाई उस तरह की फिल्मों में आ, आप बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं जैसे कमर्शियल फिल्म जैसे किक का आपने नाम लिया आ, किक एक तरह का एक अलग तरह का सिनेमा है हैं तो उसके लिए भी मेहनत लगती है मेहनत तो सारे किरदार के लिए लगती है बट मेक बिलीव की बात है कि मैं चाहे कोई भी या कोई भी सिनेमा हो अगर उसमें उस वर्ल्ड में आप एंटर हो चुके हैं या वो वो कैरेक्टर आपको भा रहा है तो वो अच्छा लगेगा डेफिनेटली उसमें भी एक ऑनेस्टी कहीं ना कहीं अगर लाइक फॉर एग्जांपल ये है कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उसमें कहने ना उनकी एक अपनी एक ऑनेस्टी होती है कि हाँ हमारा सिनेमा ये है और इस पर हमारा बिलीफ है और वो बिलीफ जब सिनेमा हॉल में जाता है तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को वो मेक बिलीफ नज़र आता है कमर्शियल uh, फिल्म वालों में एक ऑनेस्टी होती है कि भाई हमारा सिनेमा ऐसा है हमारा बिलीफ ऐसा है और हाँ। वो बिलीफ़ ऑडियंस भी करती है ये जो कंटेंट ड्रिवन के नाम पे जो फ्रॉड होता है एक्टिंग का भी और फिल्म का भी कि हम कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और फेक एक्टिंग कर रहे हो उसमें वो सबसे डेंजरस होता है एक्चुअली एक्जैक्टली है ना आप ना और तो इधर के रहना उधर जैसे तो आजकल अगर आप वेब सीरीज में देखें तो हर आदमी रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा है कहने को तो क्योंकि रियल इन्वायरमेंट में आपको खड़ा करके वो आपसे एक्टिंग कर रहे हैं बट वो रियलिज्म इज इज रियलिज्म नॉट सिर्फ वोकल नहीं है नहीं। बोलने से अरे हाँ यार ठीक है ठीक है मैं अच्छा ओके हो गया हो गया इज नॉट द रियलिस्टिक एक्टिंग रियलिस्टिक, एक्ट। रियलिस्टिक एक्ट। रियल प्रमाइसिस में रियल चीजों में रख के आप अपने आप को सोच रहे हो काम कर रहे हो एक्ट कर रहे हो अगर मैं बाकी ऐसी सिचुएशन में होता तो क्या बीतती मतलब पसीने आ जाते हैं

कहीं सुना था हमने कि वेब सीरीज नहीं करेंगे आप नहीं मैं तो खैर नहीं करूँगा वेब सीरीज़ क्योंकि अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ एक चलन है जब शुरुआत शुरुआत बहुत अच्छी होती है है ना फिर वो बाज़ार बन जाता है ज़रूरी बाजार हर चीज़ में होता है पैसा हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन पैसा अच्छी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होता है अब ये इट इज़ नॉट मिन कि भाई हमने हमें वेब सीरीज़ बनानी है चलो ठीक है एक्टर एक्टर कास्ट करो ये हो गया नौ आठ आठ एपिसोड हमने एक महीने में निकाल दिया दो महीने में निकाल दिया और बिना कुछ सोचे से। उसमें भी पैसा लग रहा है और जो सोच समझ के एक आर्टिस्टिक सीरीज बना रहा है एक आर्ट क्रिएट कर रहा है उसमें भी पैसा लग रहा है और वो भी पैसा बना रहा है ऐसा नहीं कि भाई जो अच्छी चीज़ होती है और रिटर्न करती है जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं पसंद करते हैं उसमें भी आर्ट है उसने बड़े पैशन के साथ बनाई वो सीरीज और जो लोग ऐसे बजा वो भी वो भी एक तरह का अपना वो है बिजनेस है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आर्ट आर्ट तो हर चीज में होती है कमर्शियल फिल्मों में क्या आर्ट नहीं होती क्या उनमें भी आर्ट होती है एक तरह की आर्ट होती है उसमें लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम फार्मूले पे पढ़ जाते हैं ना कि चलो अब तो फार्मूला बन गया वेब सीरीज बनानी है चलो या फिल्म है पैसा कमाना है पैसा आना चाहिए लोगों को अच्छा लगना चाहिए जहां इस में आ जाते हैं ना वो बन गया तो वो तो तो हो गया बिजनेस उसमें भी एक जो अच्छी चीज़ बना रहे उसमें भी बिजनेस ऐसी बात नहीं है तो आप ये जो स्वैग वाली फिल्में होती हैं इसमें बिलीव कर हो कभी आप करना चाहोगे इस तरह की फिल्म किस तरह जो स्वैग्स होते हैं अपने सलमान खान हो गए दबंग हो गए या फिर दस गुंडों को मारने वाला

मैं उस चीज को उस चीज वो चीज़ मुझे भाती नहीं अच्छी नहीं लगती है बट हाँ ये जरूर है कि फॉर एग्जांपल जैसे लव स्टोरी है, हमारे यहाँ होती हैं प्यार मोहब्बत वाली चीजें वो मुझे अच्छी लगती थी वो मैं कर भी रहा हूँ है ना बट uh, uh, वो जो होती है ना कि भाई लाइक एक द, ए, ए, एक ऐसी लव स्टोरी जो पॉसिबल हो सकती है एग्जिस्ट करती हूँ आप उसमें भी मतलब रियलिस्टिक चीजें ढूंढते हैं नहीं म, म, मैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें भी रियलिस्टिक ढूंढ रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या जा सकता है? अच्छा। किक मारो दस गिन ये जो सवाल ही है ये मैं अक्सर आप जैसे एक्टर्स से पूछता हूँ जैसे जो आप लोग जो रियलिस्टिक एक्टिंग में बिलीव करते हैं आप हो गए पंकज जी हो गए मनोज वाजपेयी सर हो गए आपके नसरुद्दीन शाह सर हो गए तो कॉमर्शियल फिल्मों में जो होता है जो खास तौर पे आप तो फिल्मों में काफ़ी सुधार हो गया है नाइन्टीज में आप एक कॉमेडियन है तो आपको अगर आपको हंसाना है तो आप अपने फेस पर हंसी लाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके हाँ मैं हंसा रहा हूँ आपको गुस्सा दिखाना है आप जोर से बोलोगे डायलॉग्स ताकि ल, लोगों को पता चले कि हाँ गुस्से में है फेस पर वो चीज़ें लानी पड़ती हैं दर्शकों को समझाने के लिए आप लोगों ने उस ट्रेंड को थोड़ा बदल दिया आप लोग एक फ्लैट फेस से पूरी एक्टिंग कर जाते हैं आंखों से दिखा देते हैं कि कि मेरे अंदर के भाव क्या क्या हैं। हैं इससे इससे आगे आप क्या सोचते हैं? कि इससे आगे आप सोचते एक्टिंग की गहराई और क्या हो सकती है? है। ये जो फ्लैट फ्लैट फेस फेस वाली बात कर रहे हैं, इसमें भी फ्रॉड अच्छा कि मैं रखूंगा फेस और लोगों को लगेगा कि मेरा इनर टाइप का तो नहीं हो गया हाँ, वो 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 एक्सपीरियंस हुआ था मेरे सामने कि एक एक्टर को एक्सप्रेशन नहीं बहुत ऊंचे डायरेक्टर थे वो उनके सामने एक, एक, एक एक्टर को मैंने देखा कि फेस पे नहीं लाना कुछ भी अंदर सोचना थॉट थॉट इनर वर्ल्ड में इनर में चल रहा है तुम्हारे ये चीज तो उसकी हैबिट बन गई जब भी कोई इंटेंस सीन आता था वो नॉर्मली स्ट्रेट फेस रखता था बट यू नो उसका जब वो सीन देखते थे हम बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल खाली नजर आता था क्यों क्योंकि उसमें माइंड में उसके कुछ चल नहीं रहा होता था और लोगों को ये वो लोगों को ये दिखा रहा था कि मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ चल नहीं रहा था एक्चुअली इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हम किसी चीज़ के नाम पे फ्रॉड कर सकते हैं इजीली सिनेमा अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का खूबसूरत फ्रॉड है लेकिन आम दर्शकों को तो ज़्यादा जैसे आप कह रहे थे कि वेब सीरीज में भी रियलिस्टिक टाइप की चीज़ें दिखती हैं लेकिन एक्चुअली में वो फेक हैं तो आम दर्शकों को तो उतना समझ में नहीं आता होगा जितना आप लोग दर्शकों की वजह से तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जो एक्टिंग करता हूँ मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी अपने नॉलेज के लिए अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपने सच्चाई के लिए करता हूँ मैं दर्शकों को माइंड में रख के नहीं करता हूँ कि ये दर्शकों को पसंद, पसंद आएगा मुझे टच हो रहा है मुझे कनेक्ट हो रहा है या मेरा इनर कहीं ना कहीं हिल रहा है उससे मुझ पर असर पड़ रहा है उस चीज का उसके लिए एक्टिंग करता हूँ दर्शकों को बाद में पसंद आता है दर्शकों को ये पसंद आता है ये सोच के मैं एक्टिंग नहीं करता फ्रेंकली स्पीकिंग सीरियसली आप मतलब सिनेमा को जीते हैं मतलब मेरा प्रोसेस ही है हो सकता है मैं गलत हूँ बट मेरा प्रोसेस ही है अच्छा जिस तरह की आर्ट फिल्म्स की बात करें पैरेलल फिल्म्स की बात करें हम लोग जानते हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं होता जितना कि कॉमर्शियल मूवीज़ में होता है राइट तो आप आप लोग या आपके जैसे और एक्टर्स हैं या खासतौर तो पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ पैसों के लिए आपने कभी को कोई कमर्शियल फिल्म की है जो आप नहीं करना चाहते ताकि उस पैसे मिल जाए तो आगे मैं दो आर्ट फिल्म्स कर हाँ, मैंने किया है। ऐसा किया मैंने किया और दूसरी मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ इसमें कि आ, फिल्में जो चलती हैं वो चलती हैं स्क्रीनिंग कितनी है उसके शोज कितने हैं एग्जैक्टली एक कुत्ते और बिल्ली को लेकर पिक्चर बना दो आप और छः हज़ार या पाँच हज़ार स्क्रीन पर रिलीज़ कर दो उसके दिन डे वन का कर ट्वेंटी करोड़ होगा क्योंकि हमारे यहाँ देखने की आदत है फिल्म जो पास में सिनेमा हॉल हो लगा होता है ना वहाँ देखने जाने ही जाना है हमें फ्राइडे सैटरडे संडे को है ना एक दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म लगा दो और सात सौ स्क्रीन पर लगा दो एक शो सुबह हो रहा है और एक रात में हो रहा है मैं खुद ना देखने जाऊँ अपनी पिक्चर जब मेरी पिक्चर चैम्बूर में मैं रहता हूँ अंधेरे और चैम्बू में मेरे चैम्बूर के किसी सिनेमा हॉल में रात के ग्यारह बजे या सुबह के ग्यारह बजे मेरी पिक्चर लगी हुई है मैं खुद नहीं देखने जाऊँगा ये जो एक माहौल बना रखा है ना कि फला स्टार का जो डे वन का कलेक्शन हुआ ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ इसलिए होता है क्योंकि साढ़े चार पाँच हजार स्क्रीन पे लगती है और छे छे शो होते हैं एक दिन में तो आसपास के सिनेमा घर जितने भी लगे सब में चारों तरफ आपके सिनेमा हमें वही फिल्म लगी हुई है तो वही देखने जाएंगे लोग तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल होता है कि भाई कि उसकी ऑडियंस ज्यादा है उसकी आप अच्छी फिल्म अगर है कोई और उसके छ हज़ार की स्क्रीनिंग है, लोग देखने जाएंगे क्यों नहीं देखने जाएंगे मॉम फिल्म का एक किरदार था आपका तो शंकर जो कि मेरा भी वन ऑफ माई फेवरेट किरदार है आपका बहुत अलग तरह का किरदार था वो आड़ा टेढ़ा सा कह सकते हैं आप उसको लेकिन वो इतना इम्पेक्ट डालता है वो लास्ट में जब उसकी मौत होती है एक तरह से इमोशनल कर जाता है उस तरह के कैरेक्टर uh, के लिए जैसे आपने एक बार पहले भी कहीं जिक्र किया था कि लंच बॉक्स वाले कैरेक्टर को आपने अपने किसी रूममेट से uh, इंस्पायर होके बनाया था तो क्या ये कैरेक्टर भी आपने कहीं से इंस्पायर होके आपने इस तरह का चुना था हबीब साहब हबीब तनवीर अच्छा हाँ उनका एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly, अरे <laughs> मैंने एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था ये इस तरीके से करने का जब मेरा मेकअप तैयार हो गया मेरे दांत लग गए और मेरे बाल बाल इस तरह के हो गए तो मैं शीशे आगे खड़ा हुआ था अपने डायलॉग को दोहरा रहा था मैं तो डायलॉग दोहराते दोहराते ना एक अचानक सा सुर लगा मेरा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत हबीब साहब की ज़रा सा लग रहा है तो मेरे उनकी आवाज़ याद थी क्योंकि मैं उनसे उस वक्त पे बहुत देखा था मैंने मैं मिल मिलता था उनसे मेरे बहुत सारे दोस्त हबीब साहब के ग्रुप में काम कर रहे थे नया थिएटर में उस दौरान मैं मिलता था उनसे हबीब साहब से तो उनकी आवाज़ बहुत कानों में मेरे थी और मैंने सोचा यार बहुत अच्छा है ये अगर उनकी आवाज़ में ले लूँ अगर उनकी आवाज की थोड़ी सी में फ्लेवर में दो। चेंज आवाज में कुछ हाँ। चेंज आ रहा था आपको को किस तरह की फिल्में करना ज्यादा पसंद किस थीम की मतलब आप रोमांस रोमांटिक फिल्म पसंद करते हैं एक्शन फिल्म पसंद करते हैं करना या और कोई थीम मैं सच बताऊँ तो मुझे मुझे मैं मुझे इस तरह की ज़्यादा फिल्म पसंद आती हैं जिसमें मेरा कम से कम कुछ इनर हिले मेरे इनर वर्ल्ड में मेरे इनर में कुछ असर पड़े वो थीम चाहे कोई भी हो थीम चाहे कोई भी हो फ्रेंकली आ, मोटे मोटे तौर पे मैं मैं, मैं इसी तरह की फिल्म करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक वेडनेस होब्सडिटी हो जो रियल लाइफ में होती है लोगों के पास है ना उस तरह के किरदार सपाट uh, किरदार जो होते हैं उसमें थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आता तो थोड़ा सा एक वेडनेस लिए होना चाहिए एप्सडिटी uh, होनी चाहिए वो uh, जो अमूमन में लोगों में देखता हूँ कि आप सामने तो ये देख रहे हैं सामने से सा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा इंसान है, है ये लेकिन ये घर पे जाके कुछ और हो जाता है वो वेरनेस क्या है क्यों है उसको ढूंढने में मजा आता है उस तरह के किरदार मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बहुत से एक्टर कहते हैं कि किसी खास किरदार को निभाने के लिए या निभाने के बाद वो उसका जो इफेक्ट है वो उनके दिमाग पर काफ़ी टाइम तक रहता है जैसे रमन राघव फिल्म में विक्की विक्की कौशल ने भी बोला था कि एक महीने तक मैं उसी जोन में रहा था क्या आपके साथ भी ऐसा होता है आप किसी किरदार में काफ़ी समय तक निकल नहीं पाते उस किरदार से बाहर आ, कुछ किरदार में होता है वो कहते हैं ना कि अगर किरदार से आप कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ से कुछ ले चला जाता है एंड ऑफ द डे आप अपने आप को बिल्कुल एम्प्टी फील करते हैं फिर से उसको भरने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है फिर से रिकॉल करना पड़ता है मेमोरीज रिकॉल रिकॉल करनी पड़ती है तो ये तो फैक्ट है कौन से किरदार में आपको ऐसा लगा आ, मेरे गणेश गायतोंडे में के किरदार में हुआ और मंटो के किरदार में हुआ बहुत ज़्यादा हुआ आ, फिल्म ख़त्म होने के बाद भी एक एक डेढ़ महीने तक आ, मैं उसी के मतलब बहुत ही सच बोलता रहा मैं झूठ का मेरे आसपास उन दो महीने तक मैंने बहुत सच बोला इतना पड़ा हाँ जिसका मुझे से भी भुगतना पड़ा <laughs> <laughs> तो सर तो पड़ता है कैरेक्टर का एक दो महीने के बाद फिर चला जाता है <laughs> हाँ। तो दोस्तों ये है नवाजदीन सिद्दीकी थे जिन्हें मैं टैलेंट फैक्ट्री कहता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू दिलचस्प लगा होगा और बहुत कुछ इनके बारे में जानने को मिला होगा इसी तरह से और भी कुछ स्टार्स से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार